जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल इनोवेटिव हाइप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी डिजी लॉकर में अपनी 10th की मार्कशीट ऐड नहीं कर पा रहे हो या अपलोड नहीं कर पा रहे हो या आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे आपको अपनी 10th की मार्कशीट डिजी लॉकर में ऐड करनी है, दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में फुल डिटेल में बताऊंगा सिर्फ 2 मिनट में। दोस्तों उससे पहले मैं आपको हर वीडियो में एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या आपको वीडियो से वैल्यू मिले तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी वीडियो में अपना एक लाइक जरूर कर दें। अगर आपने चैनल पर नहीं विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी आपको डिजी लॉकर रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आपको हमारा चैनल वीडियो देखने को मिल जाए। सो फ्रेंड्स, आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, मैंने यहाँ पर अपने मोबाइल फोन में डिजी लॉकर को ओपन कर लिया है। दोस्तों इसी तरह से आपको भी अपनी क्लास 10th की मार्कशीट ऐड करनी है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे बिहार से, चाहे गुजरात से, किसी भी बोर्ड से हो, दोस्तों इसी तरह से आपको यहाँ पर ऐड करनी है। सो ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा क्लास 10th मार्कशीट, क्लास 12th मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड। सो सिंपली मैं यहाँ पर क्लास 10th पर क्लिक कर लेता हूँ। इसे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा बहुत से बोर्ड यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, असम, मणिपुर, ओडिशा, दिल्ली। सो इन्हीं में से आपको यहाँ पर अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है जिस भी बोर्ड से आपने यहाँ पर 10th क्लियर की है। सो सिंपली मैं यहाँ पर जम्मू और कश्मीर बोर्ड पर क्लिक कर लेता हूँ। इसे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना नेम देखने को मिल जाएगा ऊपर ही। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर रोल नंबर फिल करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है और अपना ईयर सेलेक्ट करना है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि रोल नंबर आपको कौन सा फिल करना है, जो भी आपकी क्लास 10th की मार्कशीट पर आपका रोल नंबर होगा वो सिंपली आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ पर क्लास 10th की मार्कशीट पर देखने को मिल जाएगा, सिंपली वही आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद ईयर में आपको यहाँ पर फिल क्या करना है, जिस भी ईयर में आपने यहाँ पर क्लास 10th पास की है सिंपली वो ईयर आपको यहाँ पर फिल करना है, वो ईयर भी आपको आपकी क्लास 10th की मार्कशीट पर देखने को मिल जाएगा। सिंपली मैं यहाँ पर ये सब फिल कर लेता हूँ। सो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यहाँ पर मैंने अपनी डिटेल यहाँ पर फिल कर ली है, मैंने यहाँ पर रोल नंबर भी फिल कर लिया है और रजिस्ट्रेशन नंबर भी फिल कर लिया है और ईयर भी यहाँ पर फिल कर लिया है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यहाँ पर फैचिंग चल रही है क्लास 10th की मार्कशीट की मेरी द जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से। सो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू टिक हो चुकी है और मेरी यहाँ पर क्लास 10th की मार्कशीट डिजी लॉकर में अपलोड हो चुकी है, सो ऐड हो चुकी है। सो दोस्तों इसी तरह से आपको भी अपनी क्लास 10th की मार्कशीट यहाँ पर ऐड करनी है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी क्लास 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड हो चुकी है और ऐड हो चुकी है। सो दोस्तों इसी तरह से आपको भी अपनी क्लास 10th की मार्कशीट यहाँ पर ऐड कर लेनी है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, चाहे आप गुजरात बोर्ड से बिलोंग करते हैं, चाहे बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं, तो इसी तरह से आपको भी अपनी क्लास 10th की मार्कशीट ऐड कर देनी है। सो अगर आपको डाउनलोड करनी है सिंपली आपको यहाँ पर डाउनलोड वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है नीचे, सिंपली आपको इस पर क्लिक करके आप अपनी क्लास 10th की मार्कशीट यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको वीडियो से वैल्यू मिले तो प्लस वीडियो अपना एक लाइक जरूर कर दें। अगर आपने चैनल पर नहीं विजिट किया तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी आपको डिजी लॉकर रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल से वीडियो देखने को मिल जाए। सो दोस्तों अगर आपको और भी कोई डिजी लॉकर के रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है, तो वहां पे जाके मुझे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो दोस्तों थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।